ठीक है, देखिए नेक्स्ट है हमारे पास पेरिकार्डियोसेंटेसिस। यहाँ पे तीन इसलिए लिखा है कि दूसरे प्रोसीजर पे हमने जो है 10.7 बना के वो चेस्ट ट्यूब करनी है। ठीक है, अच्छा पेरिकार्डियोसेंटेसिस जो है कब करते हैं, ये पेरिकार्डियल टेम्पोनाट में करते हैं। याद रखें, जिस तरह नीडल डिकम्प्रेशन एक टेम्परेरी मेजर था टेंशन निमोथरेक्स में, इसी तरह पेरिकार्डियोसेंटेसिस एक टेम्परेरी मेजर है पेरिकार्डियल टेम्पोनाट, कार्डियक टेम्पोनाट के लिए। ठीक है, ठीक है ना, आपने याद रखना है। तो इसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट को हम सुपाइन पोजीशन पे रखते हैं। ठीक है, पेशेंट को हम सुपाइन पोजीशन पे रखते हैं और ईसीजी मशीन के साथ अटैच करके रखते हैं। ठीक है ना, उसके बाद जो जो हमारा जो लोकल एनेस्थीसिया है वो देते हैं अंडर जिफाइड प्रोसेस। ठीक है, अंडर जिफाइड प्रोसेस लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लोकल एनेस्थीसिया देते हैं। ठीक है ना, उसके बाद यानी कि उसको पहले पेन ट्रैप करेंगे फिर लोकल एनेस्थीसिया देंगे ना, कॉमन सेंस है, पोविडोन वगैरह से। ठीक, पोविडीन वगैरह से। ठीक है, 18 गेज का नीडल 12 से 15 सेंटीमीटर लेंथ का। ठीक है, 18 गेज का नीडल 12 से 15 सेंटीमीटर की लेंथ का हम लेते हैं। ठीक है ना, अच्छा उसको नीडल जो है उसको हम सिरिंज के साथ अटैच करते हैं नीडल को। ठीक है, सिरिंज के साथ अटैच करते हैं और स्किन को फिर पंक्चर करते हैं। नीडल इज़ फॉरवर्ड टुवर्ड्स द स्केप्यूला टिप। ठीक है ना, टिप ऑफ द स्केप्यूला की तरफ फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है ना, उसके बाद ये है कि लिखा है कि यू मे गेट द गिव वे सेंसेशन एंड ब्लड इज एस्पायरेटेड फ्रॉम पेरिकार्डियल केविटी। ठीक है, ब्लड इज एस्पायरेटेड फ्रॉम पेरिकार्डियल केविटी। ठीक है ना, एट टाइम्स ये भी होता है, इट टचेस द मायोकार्डियम एंड आपको ईसीजी में चेंजेस शुरू होने लगते हैं। देखिए, नीडल टिप जो है वो अगर मायोकार्डियम को टच करे ना, ईसीजी में आपको चेंजेस नज़र आएंगे। कौन क्या चेंजेस नज़र आएंगे, वाइडेंड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये एक एमसीक्यू हो सकता है। ठीक है, ब्लड को हम एस्पायरेट करते हैं, कैथेटर इज प्लेस्ड इन द पर पेरिटोनियल केविटी यूजिंग सेल्डिंगर टेक्निक हमने पहले कहाँ पढ़ी थी, सेल्डिंगर टेक्निक। ठीक है, उसके बाद देखिए कैथेटर को हम फिक्स करते हैं स्किन के साथ विद द सिल्क स्यूचर, जिस तरह हम वो सीवी लाइन करते हैं। ठीक है, इसी तरह फिर उसको ड्रेसिंग करके छोड़ देते हैं। ठीक है, सिम्टम्स परसिस्ट हों तो दोबारा एस्पायरेट किया जा सकता है उसी नीडल के ज़रिए। ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस क्या होती है पेरिकार्डियोसेंटेसिस की, मायोकार्डियल डैमेज ऑब्वियसली नीडल जा रही है, वेसल इंजरी ऑब्वियसली नीडल जा रही है, न्यूमोथोरेक्स हो सकता है, इसोफेजियल इंजरी ऑब्वियसली नीडल जा रही है और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, ये सारी की सारी कॉम्प्लिकेशंस।